लोग इतना वेट करते हैं इस दिन के लिए, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला वेलकम बैक टू माई चैनल. सो गुड मॉर्निंग गाइज. सो आज है यहाँ पे सरस्वती पूजा. सो आई एम इन माई मॉम्स हाउस. सो अभी यहाँ पे पूजा होगा, तो मैं आज आपको मेरे इस वाले ब्लॉग में सरस्वती पूजा यहाँ पे मतलब मेरे कोर्ट में मेरे घर में क्या क्या होता है, किस तरह हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी. तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा. एंड यू कैन सी मैंने ये वाला सलवार पहना है. आई एम नॉट गोइंग टू वेयर साड़ी टुडे, बिकॉज क्या होता है ना यहाँ पे मतलब ऐसा है कि सरस्वती पूजा में साड़ी पहनना मतलब एक ट्रेंड है. लेकिन मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया. यू कैन सी आई वोर दिस सलवार एंड या मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है. इसका भी एक सेपरेट ब्लॉग मिलेगा आपको. तो करती हूँ ब्लॉग को आज स्टार्ट. बनी रहिए मेरे साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड. सी यहाँ पे हमारे घर में बचपन से हम देखते हैं मम्मी हमेशा ये पंडाल बनाती है अपनी साड़ी से. मम्मी खुद बनाती है सब कुछ अकेले, यू नो. सो दिस इज इट. तो यहाँ पे पूजा होगा. तो अभी मैं आई हूँ, अभी बज रहे 9:30 और 10:30 बजे. पंडित जी आने वाले हैं तो मुझे सब कुछ अभी प्रिपेयर करना है. आपको दिखाऊंगी मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ. चलिए. कैन सी मम्मी यहाँ पे गेंदे का फूल लगा रही है, मतलब फेक गेंदे का फूल. एंड यू कैन सी रियो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों उसका, क्योंकि आज उसको नहीं खोलेंगे हम, वो बंधा हुआ रहेगा. तो ही इज जस्ट थिंकिंग कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों मुझे कोई खोल नहीं रहा, यहाँ पे क्यों इतना डेकोर डेकोरेशंस हो रहे हैं. हाउ आर यू, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको. रियो को गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर से. ओह शिट, ठीक है ठीक है ठीक है. Wow guys, you can see मम्मी का, you know, ये क्या है ना कि सरस्वती पूजा में येल्लो कलर का डेकोर मेनली होता है. मतलब येल्लो इज वेरी, यू नो, गुड फॉर सरस्वती पूजा एंड ऑल. लोग यहाँ पे येल्लो कलर का साड़ी पहनते हैं, येल्लो प्रेफर करते हैं. माना जाता है कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सरस्वती भगवान को येल्लो कलर अच्छा लगता है. मे बी आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस. सो दिस इज द डेकोर. ये हो गया, अभी मैं स्टार्ट करूँगी इसका प्रिपरेशन. गाइज अभी मैं फल वल काटने वाली हूँ. मम्मी का थोड़ा हाथ बटाऊँगी बिकॉज मम्मी ने कल रात 1:30 बजे तक काम किया और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी कि मैं भी पहुँच नहीं पाई, बिकॉज मुझे भी थोड़ा काम था चैम्बर वगैरह, बिकॉज आई हैड टू अटेंड द चैम्बर. एंड अभी मम्मी को थोड़ा हेल्प करूँगी, मम्मी को, यू नो, फल वल काटने में, रेडी करने में, फिर रंगोली बनाने में. सो बने रहिए मेरे साथ. गाइज मुझे रंगोली बनाना बिल्कुल नहीं आता. ये घटिया सा मैंने बनाया जस्ट फॉर द रिचुअल, यू नो. अरे वीर को देखो, वीर आगे, मतलब आज उसने भी इंडियन पहना है. एंड रियो मतलब आज कुछ ज़्यादा ही, यू नो, कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा है, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब उसको देखो. हम लोग रेडी है अभी तक, मतलब पंडित जी का आने का टाइम था 10:30 बजे, लेकिन अभी 11 बजने को अभी तक नहीं आए. भाई गोल कर, मास्क पहने रख, पेछोनर ये हटा भाई.
बोला था ना कि यहाँ पे मतलब येलो का बहुत ट्रेंड चलता है सरस्वती पूजा, तो अभी वेट सब कुछ रेडी हो गया है, अभी मम्मी नहाने गई है, इसके बाद हम लोग तो वेट कर रहे, अभी भी पंडित जी नहीं आए, तो लेट्स सी कब आते हैं। मतलब एंड ये सब है मेरे ब्रो के फ्रेंड्स एंड ब्रो एज ऑलवेज एंड ही इज दीपराज, हाय बॉल, जॉय एंड ही इज देवायन। मुझे भी थोड़ा कर, सुंदर कलेक्शन ऑफ फूल है ना सुमा। No, please, you give. कोकोनट मेरी मम्मी ने कल रात को ये बनाया, मतलब 12:30 एक बजे मम्मी देर बजे काम कर रही थी और मैं आ भी नहीं पाई, हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत जोर की अभी बारिश हो रही थी प्लस चैम्बर वर्क था, तो आई कुड नॉट कम। गाइस मैंने प्रसाद खा लिया है, अभी हाईकोर्ट जाना है मुझे, तो कुमार आएंगे अभी, इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। मैं थोड़ा ऐसे ही रील्स बना रही थी कुछ अस्मी के साथ, कुमार हैज कम। आप लोग कुछ मतलब सिमिलैरिटी देख सकते हो मेरे ड्रेस में और कुमार के ड्रेस में एंड माय ग्रैंड मॉम।
हाय बोलो ना, हाय। तो आप लोग देखो, मैंने और कुमार ने पर्पल कलर का पहना है। बहुत मतलब मशक्कत करने के बाद मतलब सोचा कि चलो पर्पल पहनेंगे। सब हम जा रहे हैं हाई कोर्ट। बहुत लेट हो गया बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि पंडित जी आने वाले थे 10:30 बजे, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने किसी और को भेज दिया। 11:30 को शायद वो आए। इसके बाद पूजा हाफ एन आवर में ख़त्म हो गया। फिर हमने प्रसाद लिया। इसके बाद अभी देर बज चुके हैं ऑलरेडी। अभी जाएंगे थोड़ा हाफ एन आवर वहाँ पे रहेंगे। इसके बाद अगर मौका मिला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूजा भी आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइस, हमारे यहाँ पे ना इस सरस्वती पूजा मतलब एक लाइक फेस्टिवल टाइप है। मतलब यहाँ पे मतलब एक ग्रैंड ओकेशन के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली सरस्वती पूजा को बंगाली वैलेंटाइंस डे के हिसाब से ही माना जाता है। तो यहाँ पे हर रास्ते में आपको मिलेगा मतलब यू नो कपल्स मैचिंग ड्रेस, सिमिलर ड्रेस कलर दे शेयर एंड देन। तो हाँ, तो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम आपको मिलेगा मतलब जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो लोग उनकी क्योंकि वो बहुत लोग होते हैं कि बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या होता है कि यही उनका एक दिन होता है, जिसकी वजह से ये इस डे को बहुत लोगों ने बंगाली वैलेंटाइन डे कहा है। बिकॉज इसी डे में वो लोग अपने बॉयफ्रेंड से मिल पाते हैं, बहुत लड़के अपने गर्लफ्रेंड से इसी दिन मिल पाते हैं और दे गेट अ चांस टू यू नो गो अराउंड एंड रोम। फिर बाहर जाके रेस्टोरेंट में पार्क, आज अगर यहाँ पे हम लोग पार्क्स वगैरह में जाएंगे ना, एक भी जगह खाली नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट में जाएंगे वो जगह भी खाली नहीं रहता। मतलब सारे इतना पूरा भरा हुआ रहता है ना, मतलब लोगों मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, पूरा भरा हुआ रहता है। आप देख सकते हो ये एक श्री कृष्ण मिशन स्कूल है हमारे अगरतला का। यहाँ पे आप जिस भीड़ देखो, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। यू कैन सी गर्ल्स वेयरिंग साड़ी एंड द बॉयज वेयरिंग दिस, यू नो यू कैन सी दिस पूरा मतलब क्राउड भरा हुआ। मतलब लोग इतना वेट करते इस दिन के लिए। गाइस, यहाँ पे ना क्या है, मतलब हमारे हाई कोर्ट में दो टाइप्स के मतलब दो ग्रुप पूजा होता है। दो ग्रुप का, एक है हाई कोर्ट एम्प्लॉइज़ का पूजा एंड एक है हमारे हाई कोर्ट बार में जो पूजा होता है वो। सो आई एम गोना शो यू, मतलब हमारे पहले एंट्री करते ही हमारे हाई कोर्ट एम्प्लॉइज़ का पूजा आपको दिखाती हूँ। उन्होंने शायद बहुत अच्छे से डेकोर किया है इसको। सो आई एम गोना शो यू, चलो अंदर चलते हैं अभी। सी मतलब दिस टाइम कितना अच्छे से हम लोगों ने किया, मतलब बलून वगैरह यूज़ किया है एंड इट्स वेरी नाइस। यू कैन सी इस बार थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है उन्होंने, बलून से डेकोर किया। वाओ लवली, एज यू कैन सी पूरा मतलब बलून से डेकोर किया है उन लोगों ने एंड फ्लावर डेकोर, बलून्स डेकोर, ये वो कितना कुछ किया है। यू कैन सी I'm showing you थोड़ा अंदर से। यह है हाई कोर्ट एम्प्लॉइज का पूजा। वाओ लवली डेकोर दे हैव मेड। एज यू कैन सी मतलब उन लोगों ने पूरी अच्छी तरह से मतलब पूरी लाइट से कवर करके एंड नीचे उन लोगों ने बलून वगैरह फ्लावर्स वगैरह से डेकोरेट किया है एंड द रंगोली। यू कैन सी इट्स सो लवली गाइज, पूरा फूलों से मतलब उन लोगों ने किया। दिस इज आवर बार, ये है हमारा हाई कोर्ट बार एंड या यू कैन सी दिस एंड दिस इज आवर डेकोर। यो दिस इज आवर पूजा, मतलब हम सारे लॉयर्स ये वाला करते हैं। यू कैन सी द डेकोर, वाओ लवली, मतलब ये तो और भी अच्छा हुआ। मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब दोनों ही अच्छे लगे, वो वाला भी अच्छा लगा लेकिन ये वाला थोड़ा और भरा हुआ है। दिस वन आई लाइक द मोस्ट। यू कैन सी द मूर्ति, वाओ
एंड दिस इज आवर बार. यू कैन सी यहाँ पे सब कुछ, सारे लॉयर्स सबको मिल जाएंगे. एंड बहुत से लॉयर्स ने मतलब उन्होंने वो फैमिली वगैरह भी इनवाइटेड है यहाँ पे. यू कैन सी आप लोग कमेंट करके बताओ किसका डेकोरेशन ज्यादा अच्छा लगा, हाई कोर्ट एम्प्लॉयज का डेकोरेशन ज्यादा अच्छा लगा या हमारे हाई कोर्ट एडवोकेट्स का डेकोरेशन उनका ज्यादा अच्छा लगा. तभी हम बैठेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. लेकिन मैं देख रही हूँ सब लोग ही चले गए, कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं. बिकॉज जैसे कि मैंने बोला अभी 2:15 बज चुके, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ. बिकॉज इसके मैंने बोला हमारे पंडित जी लेट आए हैं तो मैं आ नहीं पाई टाइम पे. सब लोग को लग रहा है कि मैंने मेकअप करने में टाइम लगा दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. तो अभी हाँ सबसे मिलते हैं, मतलब बात करते हैं, फिर प्रसाद भी लेते हैं. तो या गाइस अभी मैं वापस घर में आ गई क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है. और यहाँ पे मम्मी ने खिचड़ी बनाई है तो आज वो खिचड़ी टेस्ट करने वाली हूँ. लेकिन क्या है ना कि मुझे हाई कोर्ट में वो कुछ वहाँ पे पूरी और कैबेज का सब्जी बनाया था, लेकिन मैं वो खा नहीं पाई बिकॉज कुमार को नहीं खाना था, इसलिए मैं आ गई. अभी मैं खिचड़ी खाने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ. खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हुआ, टू गुड. मतलब मम्मी का हाथों का जवाब नहीं. मतलब एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट माई मॉम इज़ अ वेरी गुड कुक. सो अभी खाते हैं. गाइज यू कैन सी रियो बिल्कुल आज टायर्ड हो गया. मतलब इतना चिल्ला रहा था वो सुबह से. रिकू तो गाइस मैं आ गई वापस घर. मैं खिचड़ी खा के वहाँ पे मतलब सो गई थी. अभी कुछ देर पहले घर आई हूँ. अभी थोड़ा निकलेंगे बाहर, लेकिन मैंने जैसे बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊँगी, वहाँ पे नहीं जा पाए बिकॉज कुमार को और अच्छा नहीं लग रहा था. तो इसलिए वो मुझे बन के घर ड्रॉप करके वो वापस घर आ गए थे. और या आज के ब्लॉग में इतना ही. अगर आपको मेरा ये सरस्वती पूजा वाला सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो डू थम्स अप एंड शेयर विद योर लव वंस. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो. प्लीज यार सब्सक्राइब तो करना है, कुछ नहीं देना होता है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना होता है और वो बेल आइकन दबाना होता है, बस दैट्स इट. प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय.